जरीन खान को अपने बर्थडे पर सलमान खान से क्या गिफ्ट चाहिए ये उन्होंने खुद बता दिया है। जी हाँ, अब देखना ही होगा कि सलमान गिफ्ट देते हैं या नहीं, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि वो गिफ्ट आखिर है क्या जो जरीन चाहती हैं। वेल हेलो गाइज, वेलकम टू मूवीज अड्डा, मैं हूँ ज्योति नाहक। सलमान खान की अगर बात की जाए तो वीर में उन्होंने कैटरीना कैफ की लुक अलाइक जरीन खान को लॉन्च किया, जहाँ पर हमने सभी ने देखा किस तरीके से जरीन को ऑल ओवर यू नो एक पब्लिसिटी मिल गई, एक पॉपुलैरिटी मिल गई। ऐसे में जरीन खान ने हाल ही में बातचीत के दौरान बताया कि मेरा बर्थडे है और इस बार बर्थडे बाहर तो सेलिब्रेट नहीं हो पाएगा बिकॉज ऑफ कॉस्ट ऑफ द लॉकडाउन, और हम सभी घर के अंदर हैं और ऐसे में मैं फैमिली के साथ ही स्पेंड करूंगी अपना बर्थडे। लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ जैसे हर बर्थडे पर मैं केक काटती हूँ, सो इस बर्थडे पर भी मैं केक काट पाऊँ। अब इस तरह की बातें करने के दौरान जब उनसे पूछा गया कि सलमान के बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, सलमान से आप क्या गिफ्ट अगर लेना चाहेंगे क्योंकि आपके पहले को स्टार है, तो जरीन ने कहा कि मैं सलमान खान से चाहूंगी कि हमारी दोस्ती बडीज की तरह हो जाए। जी हाँ, उन्होंने कहा कि हालांकि मैं सलमान के साथ मैंने डेब्यू किया अपने, सलमान मुझे लॉन्च किया, लेकिन फिर भी मेरी सलमान के साथ एक यू नो रेगुलर बेसिस पर कम्युनिकेशन नहीं हो पाती है। और कहीं ना कहीं उन्होंने ये भी कहा कि मैं सलमान के साथ ज़्यादा से ज़्यादा दोस्ती बढ़ाना चाहूँगी और ज़्यादा बातचीत करना चाहूँगी ऑन अ रेगुलर बेसिस, जो कि नहीं हो पाता है। और उसके साथ साथ जरीन ने यह भी कहा कि सलमान को इतने सालों से जानने के बावजूद भी मेरी उनसे वैसी दोस्ती नहीं है जैसी होनी चाहिए, यानी कि एक बडीज टाइप की फ्रेंडशिप नहीं है। सो इस बर्थडे पर मैं यही उम्मीद करती हूँ, यही विश करती हूँ कि सलमान इस चीज़ पर गौर फरमाएं और हम बडीज की तरह ज़्यादा इंटरेक्ट कर पाएं, एक दूसरे से ज़्यादा घुल मिल पाएं। सो जरीन ने तो अपनी विश मांगी है, देखना ये होगा कि क्या भाईजान इस विश को पूरी करते हैं या नहीं। वेल, आपका क्या ख्याल है इस बारे में ये आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। अक्षय कुमार कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं हर किसी को हेल्प करने का। जी हाँ, चाहे वो आम आदमी हो या फिर हो मुंबई पुलिस। वेल हेलो गाइज, वेलकम टू मूवीज अड्डा, मैं हूँ ज्योति नाहक। अक्षय कुमार ने हाल ही में एक और ऐसा काम कर दिया है जिसकी वजह से लोग डेफिनेटली उनकी तारीफ करते नहीं थकेंगे। अक्षय कुमार ने कितने डोनेशन किए हैं ये तो आप सभी जानते हैं, लेकिन अब एक और डोनेशन, बड़ी डोनेशन कर दी है उन्होंने। पुलिस को वायरस स्क्रीनिंग जो डिवाइस है वो डोनेट की है। जी हाँ, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि आपके आसपास वायरस है या नहीं, आपके आसपास कोई कोरोना पेशेंट है या नहीं, इससे रिलेटेड एक स्क्रीनिंग डिवाइस जो है वो अक्षय कुमार ने दे दी है मुंबई पुलिस को, महाराष्ट्र पुलिस को, यू नो डोनेट किए हैं जितने हो सकते हैं उतने। अब ऐसे में कहीं ना कहीं ये बहुत ही अच्छी पहल की है वापस से अक्षय कुमार ने। बात की जाए अगर पुराने कॉन्ट्रीब्यूशंस की तो 25 करोड़ अब तक का सबसे बड़ा डोनेशन किया है अक्षय कुमार ने कहीं ना कहीं, और काफ़ी लोगों ने उन्हें काफ़ी ज़्यादा प्रेज भी किया इस चीज़ के लिए। और अक्षय कंटिन्यूसली इस तरह की कोई ना कोई चीज़ हेल्प के लिए कर ही रहे हैं, साथ ही साथ सलमान भी कर रहे हैं, बहुत सारे एक्टर्स हैं बॉलीवुड इस टाइम पर खुलकर सामने आ रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे अक्षय की इस नेक काम के बारे में या मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। कैटरीना कैफ की कौन सी फिल्म OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली है सीधा चलिए आपको बता देती हूँ। वेल हेलो गाइस, वेलकम टू मूवीज अड्डा, मैं हूँ ज्योति नाहक। बात की जाए अगर कैटरीना कैफ की तो कैटरीना और अली अब्बा जफर एक फिल्म पर काम कर रहे हैं जो सीधा OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज की जाने की बात हो रही है। वेल अभी तक बहुत सारे ऐसी फिल्म्स हैं जिनको लेकर ऐसी बातें आ रही हैं, चाहे वो 83 हो, लक्ष्मी बॉम्ब हो या फिर राधे हो, लेकिन कैटरीना कैफ की इस फिल्म को ऑलरेडी OTT प्लेटफॉर्म ने अप्रोच कर लिया है। जी हाँ, कौन से OTT प्लेटफॉर्म ने, नेटफ्लिक्स ने अप्रोच कर लिया है अली अब्बा जफर को। मैं आपको बता दूं काफी टाइम से इस तरह के रूमर्स आ रहे थे कि अली अब्बा जफर जो है वो कैटरीना को लेकर एक सुपर हीरो फिल्म बनाने जा रहे हैं जिसमें कैटरीना कैफ नजर आएंगी ऑफ कोर्स, और ये फिल्म जो थी काफी बज में भी आ गई थी। लेकिन उसके बाद से लॉकडाउन की वजह से इस फिल्म पर कोई अपडेट नहीं आ रहा था, लेकिन रिसेंटली हमें पता चला है कि नेटफ्लिक्स ने ऑफर कर दिया है अली अब्बा जफर को कि वो अपनी इस फिल्म को नेटफ्लिक्स पर रिलीज करें, यानी कि नेटफ्लिक्स OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज करें। वेल वेल वेल, अगर मैं आपको बताऊं तो कहीं ना कहीं इस फिल्म की जो ऑलमोस्ट चीजें हैं वो शुरू हो चुकी है, और जैसे ही फिल्म अपने इनिशियल स्टेज से हटकर अपने एंडिंग स्टेज तक आएगी उसके बाद फिल्म दो टुकड़ों में रिलीज होगी। जी हाँ, फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट सीरीज रिलीज होगा और फिर सेकंड सीरीज रिलीज होगा। लीड एक्ट्रेस इसमें कैटरीना कैफ है, लेकिन एक्टर कौन है अभी तक इस बात की कोई सोर्स नहीं आई है, तो जैसे ही आती है मैं आपको बताऊंगी। लेकिन आप इस सुपर हीरो फ्लिक के लिए कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं ये आप बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। प्रभास के साथ अब एक और बॉलीवुड एक्ट्रेस का नाम जुड़ चुका है। जी हाँ, जो कि प्रभास के साथ फिल्म में नजर आने वाली हैं, और ये कौन है ये मैं आपको बता देती हूँ। वेल हेलो गाइज, वेलकम टू मूवीज अड्डा, मैं हूँ ज्योति नाहक। बात की जाए अगर प्रभास की तो बाहुबली के बाद से प्रभास एक हाउस होल्ड नेम हो चुका है, एक बहुत बड़ा नाम हो चुका है।
ऐसे में हाल ही में प्रभास की फिल्म आई थी साहो, जिसमें हमें श्रद्धा कपूर नजर आई। अब दूसरी बॉलीवुड एक्ट्रेस जो प्रभास के साथ नजर आने वाली है वो है सलमान खान की फर्स्ट को स्टार यानी कि भाग्यश्री। जी हाँ, भाग्यश्री नजर आने वाली है प्रभास के साथ एक डिफरेंट काइंड ऑफ फिल्म में, जहाँ पर जिस फिल्म के बारे में बात करते हुए भाग्यश्री ने कहा कि ये जो फिल्म है इसके लिए मुझे एक अलग सेट ऑफ कैरेक्टर सीखना पड़ा, अलग सेट ऑफ एक्टिंग सीखनी पड़ी जो कि मैंने पहले कभी नहीं की। उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि इस फिल्म की जो शूटिंग है वो मैं लॉकडाउन से पहले ही शुरू कर चुकी थी। इसके अलावा मैं कई सारे स्क्रिप्ट्स देख रही हूँ और कमबैक करने की सोच रही हूँ। तो भाग्यश्री सलमान खान की को-स्टार का कमबैक होने वाला है प्रभास के साथ। जी हाँ, टॉलीवुड के सुपरस्टार, यहाँ तक कि इंडियन सिनेमा के सुपरस्टार बन चुके हैं बाहुबली, उनके साथ उनका कमबैक होने वाला है। और उस पर उन्होंने कहा कि ये जो फिल्म है ये बहुत दिलचस्प है और प्रभास के साथ काम करने की एक्साइटमेंट भी है, लेकिन उसके साथ साथ कहीं ना कहीं ये जो फिल्म है ये बहुत डिफरेंट होने वाली है मेरे लिए इन टर्म्स ऑफ एक्टिंग। तो भाग्यश्री को प्रभास के साथ देखने के लिए आप लोग कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं ये आप मुझे बताइए। और साथ ही साथ भाग्यश्री ने ये भी कहा कि मैं कई फिल्में इस वक्त पढ़ रही हूँ, कई स्क्रिप्ट्स पढ़ रही हूँ, देख रही हूँ कौन सा अच्छा है कौन सा नहीं है। और उसके साथ साथ लॉकडाउन शुरू होने से पहले ही शूटिंग शुरू हो चुकी थी, लॉकडाउन की वजह से अटका पड़ा है, जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा वापस से शूटिंग शुरू हो जाएगी। हालांकि इस फिल्म का अभी तक नाम अनाउंस नहीं किया गया है, नाम डिसाइड भी नहीं किया गया है। सो आप इस अनटाइटल्ड प्रोजेक्ट के लिए कितने एक्साइटेड हैं ये आप बताइए मुझे कॉमेंट सेक्शन में। कैरी मिनाटी सिर्फ एक यूट्यूबर नहीं रहा बल्कि ऐसा इंसान हो चुका है जिसने लाखों करोड़ों रिकॉर्ड्स तोड़ डाले हैं। जी हाँ, वो भी सिर्फ एक वीडियो से, यानी कि यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक दी एंड। ऐसे में ये वीडियो सुर्खियां बटोर चुका था, हर जगह आग की तरह फैल चुका था। नंबर वन पर ट्रेंड करते करते इस वीडियो ने कई रिकॉर्ड्स तोड़ दिए, जैसे कि सबसे कम टाइम में सबसे ज्यादा लाइक, सबसे कम टाइम में सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर्स अचीव करना, तमाम रिकॉर्ड्स। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज यानी कि कल बेसिकली ये वीडियो जो है YouTube ने पुट डाउन कर दिया। जी हाँ, YouTube ने डिलीट कर दिया है कैरी मिनाटी का YouTube वर्सेस TikTok दी एंड का वीडियो। अब ये क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, इस पर अभी तक कोई भी रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन ये जरूर कंफर्म है कि वीडियो डिलीट हो चुका है। आप चाहे तो YouTube पर जाकर भी देख सकते हैं, जो कि अपने आप में शॉकिंग है, क्योंकि इस वीडियो ने कहीं 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 ना कहीं इंडियन YouTube को एक अलग लेवल पर पहुंचा दिया था। इतने लाइक्स, इतने सब्सक्राइबर्स, इतने व्यूज महज 24 घंटे में इस वीडियो को आ चुके थे। और इस वीडियो का डिलीट होना अपने आप में एक बहुत टेंशन वाली बात है। देखना ये होगा कि कैरी मिनाटी इस पर क्या रिस्पॉन्स करते हैं और बाकी लोग इस पर क्या रिस्पॉन्स करते हैं। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल मूवी जिंदा के साथ। सलमान खान ने साफ कह दिया है कि मत करो रूमर्स पे ट्रस्ट। जी हाँ, कौन सलमान के अगेंस्ट रूमर्स फैला रहा है ये मैं आपको बताती हूँ। वेल हेलो गाइस, वेलकम टू मूवीज अड्डा, मैं हूँ ज्योति नाहक। सलमान खान से रिलेटेड एक बड़ी खबर सामने आई है। हाल ही में सलमान खान ने सोशल मीडिया यानी ट्विटर और इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया है, जहाँ पर उन्होंने क्लैरिफाई किया है कि SKF या फिर सलमान खान, ये दोनों ही लोग बिल्कुल भी किसी भी तरह की कोई भी ऑडिशनिंग या कास्टिंग नहीं कर रहे हैं किसी भी फ्यूचर फिल्म के लिए। और जो भी ईमेल्स लोगों तक जा रहे हैं, भी फोन कॉल्स लोगों तक जा रहे हैं थ्रू SKF, इस बात को दर्शाती हैं कि वो कोई फेक कॉल्स है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, कई दिनों से ये चल रहा है, काफी लोगों को ये कॉल्स आ रहे हैं कि हम कास्टिंग कर रहे हैं सलमान खान फिल्म्स की तरफ से, और इस तरह की तमाम चीजें आ रही हैं सामने, जिसकी वजह से सलमान को ये स्टेप उठाना पड़ा। और सलमान ने क्लैरिफाई कर दिया है सोशल मीडिया पर कि मेरा नाम और अगर मेरे प्रोडक्शन का नाम अगर इस्तेमाल हुआ गलत तरीके से तो फिर इसके रिपरकशंस भी आपको भुगतने पड़ेंगे। लेकिन उसके साथ साथ सलमान खान के बारे में मैं बता दूं कि ये खबर बिल्कुल झूठी है कि SKF फिल्म्स और सलमान खान खुद किसी को भी कास्ट कर रहे हैं। इस वक्त ना कोई फिल्म बन रही है, ना ही किसी की कोई भी हायरिंग हो रही है, और इस बात को क्लैरिफाई कर दिया है सलमान ने खुद। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे ये आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। भाई, लॉकडाउन में भी सलमान खान एंटरटेन करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रही। जी हाँ, सबसे पहले प्यार करो ना, फिर तेरे बिना, और अब तीसरा ट्रैक रिलीज होने वाला है। जी हाँ, क्या कुछ है इस तीसरे ट्रैक की जो भी डिटेल्स, चलिए आपको मैं बताती हूँ। वेल हेलो गाइस, वेलकम टू मूवीज अड्डा, मैं हूँ ज्योति नाहक। सलमान खान और वलूचा डिसूजा, जी हाँ, सबसे पहले सलमान का पहला ट्रैक आया जिसमें वो सोलो नजर आए, और दूसरे ट्रैक में जैकलिन फर्नांडिस नजर आई। अब तीसरे ट्रैक में उनके साथ नजर आने वाली है वलूचा डिसूजा। जी हाँ, वलूचा उनकी फ्रेंड है जो कि उन्हीं के साथ लॉकडाउन एंजॉय कर रही हैं, अपनी फैमिली के साथ वहां पर रुकी हैं। हाल ही में तेरे बिना में जो बेटी, जिन्होंने सलमान की बेटी का कैरेक्टर प्ले किया, वो वलूचा की डॉटर थी। अब ऐसे में नेक्स्ट ट्रैक एक और लवी डवी ट्रैक होने वाला है, जहां पर वापस से
लव के ऊपर, प्यार, पीस, हार्मनी, इन सभी चीज़ों के ऊपर एक और ट्रैक बनाने जा रहे हैं सलमान खान, जिसमें वलूचा उनके साथ एज ए लीड पेयर नजर आएंगे। वेल, ये अपने आप में एक एक्साइटिंग बात है और ये सलमान की हैट्रिक होगी। तीसरी बार सलमान ऐसा कोई गाना वापस रिलीज कर रहे हैं, वो भी इतने चंद कम दिनों में। आपको बता दूं कि इस गाने की जो है ऑलमोस्ट तैयारियां शुरू हो चुकी है और शायद ये गाना भी सलमान खुद ही गाने वाले हैं। सो इस थर्ड सॉन्ग के लिए आप लोग कितने एक्साइटेड हैं, ये आप बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में।